हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। जीरो आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अकाउंटिंग का कुछ एमसीक्यू भी करवाइए, क्योंकि थ्योरी काफ़ी हद तक हो चुका है। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे दोस्तों अकाउंटिंग का। ये एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए, हिंदी का इंग्लिश का पीडीएफ है अकाउंटिंग का। ठीक है, आप इस लेक्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है जीरो आईएएस चैनल के द्वारा, और प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है, मैं एक ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और अभी तक 11 लेक्चर आ चुके हैं टोटल अकाउंटिंग का। ठीक है, और लेबर लॉ का भी 2 लेक्चर आ गया है। और मेरा टारगेट है कि आप लोगों का कोर्स जो है ईपीएफओ का, वो आपका मई एंड तक कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, अच्छे से पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स फ्री में, पूरा पीडीएफ के साथ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, करंट अफेयर या अकाउंटिंग, लेबर लॉ, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी हो। ठीक है, सबका कंप्लीट तैयारी आपको मई तक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर कुछ एक आध दो टॉपिक छूट भी जाता है तो हम उसको मई के बाद भी कर देंगे दोस्तों, क्योंकि अभी एग्जाम होने में, हम लोग को एग्जाम जुलाई अगस्त के आसपास होगा। ठीक है, तो चलिए, अकाउंटिंग का ये 12 लेक्चर है, आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये आपका इंग्लिश का पीडीएफ है दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है, और अभी हम आपको जो दिखाएंगे वो आपका हिंदी का पीडीएफ होगा दोस्तों। तो देखिए, जो इंग्लिश का पीडीएफ था उसी का ट्रांसलेशन हिंदी वाला पीडीएफ है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो भी लेक्चर दिया जा रहा है दोस्तों, उसका कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए आपको कोई भी कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर जो भी कोर्स हैं सब फर्जी का कोर्स है। आप डायरेक्ट पढ़िए ना, आप ईपीएफओ के जो सिलेक्टेड ऑफिसर है उसे आप डायरेक्ट पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्यों इधर उधर पैसा अपना मतलब फालतू का वेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, और जो पढ़ा रहा है आपको, क्या वो खुद क्वालिफाई है जो पढ़ा रहा है? नहीं ना। जो बच्चा खुद ही, अगर आपको समुद्र की गहराई नापना है दोस्तों, तो आप किससे पूछेंगे जो उसमें डुबकी मार रहा है कि नहीं, कि ऊपर से देख के पता चल जाएगा कि कितना गहरा है? नहीं ना। उसी तरह मुझे, मैंने यूपीएससी क्रैक किया है ईपीएफओ, तो मुझे पता है कि किस डेप्थ में और क्या क्या यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको कचड़ा नहीं भर दूंगा आपके दिमाग में। ठीक है ना, तो चलिए एमसीक्यू देखते हैं आज दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? मैंने बताया था जो दोस्तों, जो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। मतलब अपना खुद का खाते से खुद से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं दोस्तों। जैसे बोल रहा अबाउट फर्नीचर ऑफ, ये 10,000 फॉर बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। दूसरा है पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 5,000, अपने जो है कर्मचारी को 5,000 रुपया सैलरी दिया, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। बोल रहा है पेड सन्स फी फ्रॉम हर पर्सनल अकाउंट बैंक अकाउंट 20,000, बोला अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, मतलब बिजनेस के अकाउंट से नहीं, पर्सनल बैंक अकाउंट से अपने स्टूडेंट सन के लिए, अपने बेटे के लिए 20,000 रुपये का दिया। तो ये बिजनेस रिलेटेड नहीं, ये पर्सनल अकाउंट। जैसे राम है, राम का कुछ बिजनेस है, ठीक है, तो राम अपने पर्सनल अकाउंट से अपने फैमिली के लिए कुछ के लिए अपने लिए कर रहा है, तो उसको हम लोग पर्सनल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, बिजनेस का नहीं होता है। वहीं अगर बिजनेस से वो राम कुछ पैसा निकाल रहा है और उस पैसे से अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, तो दोस्तों वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उपार्जन, है ना। उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। मैंने बताया था जो भी मालिक फैक्ट्री में जो भी पैसा डालता है शुरू में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पूंजी। और उसी पैसे में से कुछ पैसा अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लेता है, जो पैसा वो दिया था बिजनेस में, उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपार्जन। ये आपको अच्छे से मैंने बताया था दोस्तों। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जरूर 1 से 11 तक लेक्चर जो आया है वो जरूर देखें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। तो कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है दोस्तों, यही हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है कि पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस 2,000, तो बिजनेस से पैसा निकाल के अपने बच्चे का फी दिया, तो ये तो बिजनेस से ही रिलेटेड है, जो ड्राइंग बोलते हैं, उपार्जन बोलते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा दोस्तों। तो आंसर जो होगा 1 का, वो होगा सी। समझ में आ गया। अब इसी का हम लोग हिंदी वाला देखते हैं, तो ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, हिंदी वाला देखते हैं हिंदी में क्या है। ऐसा करते हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी ले लेते हैं, फिर इसी का हिंदी में 5 क्वेश्चन का साथ में कर लेंगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे को ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन उनको हिंदी में भी करना हुआ है हमें। ठीक है, तो अब हिंदी वाला को भी हम अच्छे से करेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आगे इंग्लिश का कर लेते हैं, फिर 5 क्वेश्चन हिंदी का कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे का 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि दीप्ति वांट्स टू बाय ए बिल्डिंग ऑन हर बिजनेस डे। दीप्ति बोलती है कि हमको एक बिल्डिंग खरीदना है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, आज ही के दिन।
तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेलिवेंट डेटा फॉर हिज डिसीजन। तो जो भी वो फैसला लेगी दोस्तों, ठीक है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक, बोल रहा है, याद कीजिएगा कि टुडे का मतलब समझ लीजिए आज का डेट, टुडे का मतलब आज कितना, आज का डेट, और टुडे का मतलब समझ लीजिए कि जब ये क्वेश्चन छपा था तो उस समय 2000 का साल चल रहा होगा। कितना का साल चल रहा था? 2000 का। इस बस आप समझिए कि दीप्ति को एक बिजनेस खरीदना है, टुडे, टुडे का मतलब जब ये क्वेश्चन छपा था 2000, ये हमको इसको कर देते हैं 2023, और इस ऑप्शन को कर देते हैं 2023। और आज कितना तारीख है दोस्तों? सो आज तारीख है 21 मार्च 2023, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑप्शन में 21 मार्च 2023। तो बोल रहा है कि पहला प्रश्न है, विकल्प है सिमिलर बिजनेस रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 21 मार्च 2023 फॉर 10,000। बोला सेम बिजनेस उसी टाइप का एक्वायर किया उस बिल्डिंग को 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये में। नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 2003, क्या उसको 2003 का बिल्डिंग कॉस्ट चाहिए? फिर है बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 1998, क्या 1998 का उसको डिटेल चाहिए नोट करने के लिए। सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 ₹25 लाख। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, जो भी रिकॉर्ड करते हैं, मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको ऐतिहासिक मूल्य बोलते हैं। इसका मतलब जिस दिन आप बिल्डिंग खरीद रहे हो उस समय मार्केट में उसका क्या रेट है, उसी के आधार पे आप बिल्डिंग का कॉस्ट नोट करोगे। उसके पहले क्या था बिल्डिंग का कॉस्ट और फ्यूचर में बिल्डिंग का कॉस्ट है, उस पर आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस रेट पे आप बिल्डिंग खरीद रहे हो बस उसी रेट पे आप अपने अकाउंट का बुक में, खाते में बिल्डिंग का कॉस्ट लिखोगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदा 10 लाख का आज, ठीक है, कल को बिल्डिंग का रेट बढ़ के 12 लाख हो गया या घट के हो गया 8 लाख, तो मैं अपने जो खाते में बिल्डिंग का कॉस्ट लिखूंगा दोस्तों वो कितना लिखूंगा, जिस रेट पे ख़रीदा था, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हमारा क्या होगा आंसर 2 का ए। बात समझ में आया? पहले क्या है 2003 में क्या है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, 98 में क्या है नहीं होना चाहिए, और फ्यूचर में मान लो 2028 में क्या होगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब उस रेट पर कितना है बस वो हमको देखना है। तो 2 का आंसर होगा ये। इसीलिए दीप्ति जो बिजनेस में बिल्डिंग खरीद रही है उसको नोट करेगी किस रेट पर, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, मतलब उस रेट, उस दिन बिल्डिंग का क्या रेट है दोस्तों। ठीक है, अगला है विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जब हम लोग कर, आपको पता है कि अकाउंटिंग में हम लोग कितने स्टेप उठाते हैं दोस्तों, सात स्टेप लेते हैं। IMRC SAC, मैंने क्या बताया था, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, फिर एस से क्या बताया था, समरी, ए से एनालिसिस, और सी से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन। ये 7 प्रोसेस है जो हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं। सबसे हम लोग क्या पहचानते हैं, फिर हम लोग मेजर करते हैं, मापन करते हैं, फिर हम लोग अभिलेखन करते हैं, फिर हम लोग वर्गीकरण करते हैं, फिर हम लोग समरी बनाते हैं सारांश, फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करते हैं, और सी से कम्युनिकेशन मतलब हम लोग संप्रेषण करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों, सी का संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? ये हम आपको बताया था, तो देख रहे हैं ना, जो जो बताया उसी से क्वेश्चन आपका सही सही बन रहा है। ठीक है, इसीलिए लेक्चर करना जरूरी है, और लेक्चर को एकदम आसान भाषा में समझाया गया है। इस तरह का लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं विश्वास होता है तो आप 1 से 11 लेक्चर अकाउंटिंग का देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला है विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। तो बोला जब भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम अच्छे से रखते हैं, क्लियरली रखते हैं, तो कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का हम लोग दर्शाते हैं। मतलब कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम पूरा एकदम क्लियर कट वे में रख रहे हैं, सब चीज़ बता के समझा के, तो कौन सा इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या, रेलिवेंट। कि वो इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जो जो काम का चीज़ है उसी को लिखना चाहिए, फालतू चीज़ को नहीं लिखना चाहिए। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, रेलिवेंट। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है कि ऐसा लिखो जो क्या हो जाए, समझ में आ जाए। कंपेरेबल मतलब एक कंपनी का दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, वैसा लिखो। रिलायबल मतलब ऐसा लिखो जो हम इस चीज़ पे विश्वास करते हैं, मतलब अपने अंदाज से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेखांकन मत करो, कोई प्रूफ पे करो। जैसे कुछ लिखना है तो बिल के आधार पे करो, ऋषि जो भी आपको प्राप्त हो रहा है प्राप्ति के आधार पे करो, अपने अंदाजे मन से अपने पूर्वाग्रह के आधार पे मत करो, प्रिय जम्सन मान के। ठीक है, अगला बोल रहा है यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। अगर हम मान लो मापन का एक कॉमन यूनिट रखते हैं, ठीक है, और कॉमन फॉर्मेट रखते हैं किसका, रिपोर्टिंग का, तो उससे क्या प्रमोट होता है। तो मैंने बताया था आपको उससे क्या प्रमोट होता है, कंपेरेबल। अगर कॉमन यूनिट रखोगे, मान लो टाटा,
जिस रेट पे अपना अकाउंटिंग कर रहा है, जिस जो जो चीज़ मान के कि हम लोग डेबिट में ऐसा इस तरह लिखेंगे, क्रेडिट में इस तरह लिखेंगे, मतलब सिमिलर है, उसी तरह रिलायंस भी उसी तरह लिख रहा है, डेबिट को इधर लिख रहा है, क्रेडिट को इधर लिख रहा है, और पूरा प्रोसेस सेम सेम यूज कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तभी ना कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपको कंपेयर करना है राहुल बनवाल मेरे राहुल सर से, और एक एक्स वाई जेड फलाना ढिमका सर है, तो किस आधार पे मेरे को कंपेयर करो उसके। अब देखोगे ना कि अकाउंटिंग का लेक्चर जो हमको ये डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताए हैं, जो हमें ये अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये भकलोल आदमी जो दे रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करोगे ना, तो कुछ पैरामीटर होगा ना, कि ऐसे ही बोल दोगे कंपेयर कर दोगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपेरेबिलिटी। समझ में आ गया। अब हम लोग हिंदी में देखेंगे दोस्तों 5 क्वेश्चंस, ठीक है, फिर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे ये हिंदी में एमसीक्यू है, कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं था बताइए, जो अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए करते हैं। तो वही अपने निजी बैंक से अगर 20,000 रुपया अपने बेटे को फीस का भुगतान करता है, तो वो अपना निजी लेन देन है, व्यापारिक व्यावसायिक नहीं है। अगर व्यवसाय के लिए बिजनेस खरीद फर्नीचर खरीदा तो व्यावसायिक लेन देन है, कर्मचारियों को वेतन दिया तो व्यावसायिक लेन देन है, 20,000 रुपया बिजनेस में निकाल बिजनेस से ही निकाला थी, तो जो भी निकालता है बिजनेस से मालिक, उसको उपार्जन बोलते हैं, और उपार्जन क्या होता है, एक व्यावसायिक लेन देन है, अपने बेटे को फीस के लिए देता है तो उसी को उपार्जन बोलते हैं, ये व्यावसायिक लेन देन है, इसलिए 1 का आंसर होगा गा। प्रदीप्ति अपने व्यवसाय के लिए एक भवन खरीदना चाहती है, इसको वर्ष कर देंगे हम लोग 21 मार्च 2023 चेंज कर देंगे ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पुराना है। अपने व्यवसाय के लिए भवन खरीदना चाहती है, तो किस निर्णय से संबंधित उपयुक्त आंकड़े कौन से हैं, कि क्या कौन सा वो निर्णय लेगी, किस आधार पे, तो वही लेगी कि 21 मार्च 2023 में जो है उस बिजनेस का जो खरीदा है कोई भी आदमी, तो उस कितने रेट पे खरीदा, पास्ट में कितना रेट था उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्यूचर में मान ली यहाँ पे था 2028 में लागत इतना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग नोट करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब ऐतिहासिक मूल्य पे, ऐतिहासिक मूल्य मतलब प्राचीन काल का मूल्य नहीं, प्रेजेंट में जो भी मूल्य था वो, फ्यूचर में क्या मूल्य था घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पहले क्या मूल्य रहेगा घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 का आंसर होगा दोस्तों ए, समझ में आ रहा है। अगला है, एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है, तो मैंने बताया था संप्रेषण, हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्ड क्लासीफाई समरी एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन, पहचानो मापन करो अभिलेखन करो वर्गीकरण करो सारांश बनाओ, फिर उसके बाद एनालिसिस कर कीजिए आप, विश्लेषण कीजिए, और फिर संप्रेषण कीजिए, तो लास्ट स्टेप क्या है संप्रेषण, तो हमारा हो जाएगा 3 का गा। समझ में आ रहा है। बोल रहा जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो, और लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता है, तो गुणात्मक विशेषता मैंने बताया था दोस्तों क्या क्या था, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, ठीक है, कंपेरेबल, और क्या था, रिलायबल, ये 4 चीज़ें है ना, तो अगर हम साफ सुथरा ढंग से रखते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि वो क्या है, प्रासंगिक है, अच्छा है ना, तभी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे हैं, और जब हम ऐसा लिखते हैं कि सामने वाले को पता चले कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा अंडरस्टैंडेबल और रेलिवेंट में, रेलिवेंट मतलब जो भी सूचना स्पष्ट रूप से लिखो जो भी ज़रूरी है, और अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये है कि जो भी भाषा प्रयोग करो, हम ऐसे नहीं लिख देंगे, अब मुझे लिखना है कि IM बॉय, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं लिख देंगे क्या पता चल रहा है, देखने पता चल रहा है नहीं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करो कि देखने में आपको पता चल जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित करता है, अगर आप सामान्य इकाई प्रस्तुत यूज कर रहे हो मापन में या प्रतिवेदन में, तो आप क्या कर सकते हो, एक कंपनी को दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, है ना, जैसे कि हमें नापना है कि UPSC EPFO के लिए कौन क्वालिफाई कर सकता है, तो सेम पैरामीटर क्या है कि आपको जो है इसका जो PT होता है, जो रिटर्न होता है 300 नंबर का, उसमें से आपको 185 के ऊपर नंबर लाना चाहिए रिटर्न में, तभी आप क्वालिफाई करोगे, तो आप तो अगर कोई लड़का क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है EPFO, और कोई क्वालिफाई कर रहा है, तो तुलना कर सकते हैं ना किस आधार पे कि हमारा ये पैरामीटर है, ठीक है, तो अगर सामान्य इकाई है यूज कर रहे हैं और प्रतिवेदन, तो आप तुलना कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये हिंदी का था 5 क्वेश्चन, अब देखते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन इंग्लिश का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बोल रहा है कि लाइफ टाइम के समय जो भी कंपनी होती है, जो भी एंटिटी मतलब बिजनेस, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है दोस्तों, बनाता है ना। तो मैं तो मान लीजिए कोई कंपनी, मैंने बताया था 10 साल का अगर बिजनेस है उसका पूरा, तो अकाउंटिंग पीरियड वो बनाता है, तो वो अपना अपना अकाउंटिंग बनाता है छोटे छोटे अंतराल में,
वो किस कॉन्सेप्ट को लेके बनाता है, वो बनाता है अकाउंटिंग पीरियड। इसके अलावा कंजर्वेटिज्म क्या होता है दोस्तों, रूढ़िवादिता, ये होता है कि कोई भी कंपनी होता है जो उसका फ्यूचर में लाभ होने वाला है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन अगर हानि होने का चांसेस है तो वो उसको ध्यान में रखता है ना। मैचिंग क्या होता है, मैचिंग मतलब जितना पैसा किसी चीज़ उसका खर्चा हो रहा है किसी कंपनी को और कितना पैसा उससे वो प्राप्त कर रहा है। जैसे मान लीजिए टाटा है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ तो मुझे रिपोर्ट करने से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर दे रहा हूँ शॉर्ट में बता देने का जरूर। इसलिए पहले का लेक्चर देखिए, आपको बहुत आसानी होगा, ये सब क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ेंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, आंसर हो जाएगा सी डायरेक्ट। ये बेनिफिट है अगर आप समझ के मेरे साथ पढ़ रहे हो तो, है ना। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी दोस्तों। अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा अगर एक एक ऑप्शन को तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए पहले का आप लेक्चर देख लीजिए, इससे आपको समझ विकसित हो जाएगा। अभी एग्जाम होने में बहुत टाइम है ना, तो समझ समझ के अच्छे से पढ़िए धीरे धीरे, एक बार अगर कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बोल रहा है व्हेन इन्फॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर द इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बोल रहा है जब इन्फॉर्मेशन दो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेज का प्रिपेयर इस तरह से किया जाता है सिमिलर अवस्था में, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट करता है तो किसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है, वो एग्जिस्ट करता है कंपेरेबल। अगर दो कंपनी है डिफरेंट डिफरेंट, अगर एक बनाया है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक तरह से, तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये होगा कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसका हो जाएगा टू का डी हो जाएगा दोस्तों। वेरीफिएबिलिटी क्या है, वेरीफिएबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ हम लोग नोट करते हैं अकाउंटिंग में लिखते हैं तो उसको हम लोग किसी डेटा के किसी भी फैक्ट के आधार पर लिखते हैं। कोई भी बिल हमको मिलता है तभी लिखते हैं, अपने पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं लिखते हैं, समझ में आए, उसको बोलते हैं वेरीफिएबिलिटी। तो वहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं हो रहा है। रेलिवेंस, रेलिवेंस का ऊपर हम लोग देख लें, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में देते हैं। उसके बाद रिलायबल, रिलायबल मतलब हम लोग ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं जो विश्वसनीय हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा आंसर डी। नेक्स्ट है ए कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर, एक वैसा कॉन्सेप्ट जो ये विश्वास दिलाता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो आने वाले समय में फ्यूचर में वो बंद नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया था, ये किसका है, गोइंग कंसर्न का। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस जो है चलता रहेगा, है ना, वो किसका है, गोइंग कंसर्न का। इकोनॉमिक एंटिटी क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक एंटिटी मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इकोनॉमिक एंटिटी का। मॉनेटरी यूनिट क्या है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड पैसे में लेन देन होता है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इसमें जो भी पैसा से लेन देन होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ये सब आपको बताया है, जिसको मनी मेजरमेंट बोलते हैं। मनी मेजरमेंट मतलब मूल्य में जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं अपने लेखन अकाउंटिंग में। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्कर है, दो वर्कर है, ठीक है, दोनों का तनख्वाह है 15,000, ठीक है, इसका भी तनख्वाह 15,000, इसका भी तनख्वाह 15,000 है, ठीक है, लेकिन ये है कामचोर और ये है बहुत मेहनती, इसके कारण कंपनी को फ़ायदा हो रहा है लेकिन इसको कारण लॉस हो रहा है, तो क्या आप इसके हार्ड वर्क को, मेहनत को माप सकते हो, नहीं, तो आप लिख भी नहीं पाओगे उसको, लेकिन आप तनख्वाह लिख सकते हो। तो जिस चीज़ को हम मनी में नाप सकते हैं उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट या मूल्य या रुपया मापन सिद्धांत, ठीक है। ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ, अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। जो बच्चा 1 से 11 लेक्चर तक देख चुका है उसको ये MCQ बनाने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना। अगर मज़ा आ रहा है बच्चों दो जो पहले का लेक्चर देख लिए हैं 1 से 11 तक और उनको मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आपने जो भी पढ़ाया वो मुझे सब समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्राइमरी क्वालिटीज़ दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, तो वैसा क्वालिटी जो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, मतलब गुणात्मक विशेषताएं किसका, लेखांकन का। तो मैंने क्या क्या बताया था गुणात्मक विशेषता, एक बताया था रिलायबल, वो विश्वसनीय होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, समझ सको उसको आप, कंपेरेबल, कंपेयर करना चाहिए, और रेलिवेंट। तो जहाँ पर ये चारों वर्ड है, चारों में से कोई वर्ड वही होगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो हमारा कहाँ है दोस्तों, कंपेरेबल एंड रिलायबल, ये हमारा होगा, यही इसी को प्राइमरी क्वालिटीज बोलते हैं और इसी को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग या लेखन का गुणात्मक विशेषता भी बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा जो 4 होगा उसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला, अब हिंदी में इसका देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कोई कंपनी अपने व्यापार की अवधि को छोटे छोटे अंतराल में विभाजित करके लेखांकन करता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं लेखांकन अवधि, जहाँ पे टोटल बिजनेस का जो कार्यकाल होता है उसको छोटे छोटे हम लोग समय में डिवाइड करके लेखांकन करते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर होगा ग। अगला है
जब दो व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचनाएं प्रदर्शित करती है। ये किसकी प्रदर्शित करती है दोस्तों? ये प्रदर्शित करती है कि कंपेरेबल का, कि हम लोग जो है उसका क्या कर सकते हैं, कंपेरेबल कर सकते हैं हम लोग उसको, क्या कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब हिंदी में क्या होता है? तुलना, तो तुलनात्मकता होता है, तुलनात्मकता, तुलनात्मक कर सक तुलना कर सकते हैं, है ना। तो टू का आंसर होगा घ। वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में ना तो बेचा जाएगा और ना ही उसका परिसमापन होगा, इसका क्या कहलाता है दोस्तों? ये बोलता है कि भाई बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, सतत व्यापार, बिजनेस गोइंग कंसर्न, है ना, गोइंग कंसर्न, ठीक, ये होगा। चौथा का, लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाली प्राथमिक गुण क्या है? तो प्राथमिक गुण या गुणात्मक विशेषता क्या है दोस्तों लेखांकन का, ठीक है, क्या क्या है? एक है आपका तुलनीयता, दूसरा है आपका ये तुलनीयता हो गया, फिर विश्वसनीयता, ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी हो गया, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब समझ लीजिए कि जैसे समझदारी टाइप का कुछ, समझदारिता, है ना। कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, अंडरस्टैंडेबिलिटी समझदारिता, कंपेरेबिलिटी तुलनीयता, एंड रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब उपयोगिता, कि कितना आप उपयोगी है वो। ये चार जो चीज़ होता है उसी को हम लोग गुणात्मक विशेषता बोलते हैं। तो ये हम लोग हमारा कहाँ है? तुलनीयता और विश्वसनीयता, ठीक है, ये प्राथमिक गुण कहलाता है चार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में, फिर हम लोग हिंदी में देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला बाउचर किस लिए बनाते हैं? तो बाउचर मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बन जाएगा, अभी जो जो आपको पढ़ा रहा हूँ उससे सब क्वेश्चन आपका बन रहा होगा, तो बाउचर मैंने भी नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाएंगे तो बनाएंगे, तो बाउचर को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव, एक अकाउंट का कितने साइड होता है दोस्तों? तो आपने पढ़ा है दो साइड होता है, एक को डेबिट बोलते हैं और दूसरे को क्रेडिट बोलते हैं, एक को नाम बोलते हैं दूसरे को जमा बोलते हैं, तो दो दो साइड होता है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, कैश में अगर आप मशीन खरीद रहे हो दोस्तों तो ये डेबिट होना चाहिए, कहाँ पर डेबिट होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों अगर आप कैश में मशीन खरीद रहे हो तो आपका कैश जा रहा है, कैश घट रहा है, कैश घटता है तो क्या होता है? कैश क्या है? एसेट, एसेट क्या आ रहा है? घट रहा है, एसेट जब घटता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। और मशीन मेरा क्या है? एसेट है, तो एसेट परिसंपत्ति, एसेट बढ़ रहा है, जब भी एसेट बढ़ता है तो किधर करते हैं? डेबिट। तो बोल रहा है कि जब हम मशीन खरीद रहे हैं तो ठीक है फॉर कैश, तो किस में उनको डेबिट करेंगे? डेबिट किस में करेंगे दोस्तों? मशीन के अकाउंट में। फोर का आंसर होगा बी। पर कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हुआ है? घटा है। परचेज अकाउंट रिलेट नहीं होगा, हमने बताया परचेज अकाउंट आपको पढ़ाएंगे आने वाले लेक्चर में, जब हम लोग पढ़ेंगे जर्नल के बारे में, अलग देखिए सब्सिडियरी बुक के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उसमें हम लोग अलग अलग अकाउंट पढ़ेंगे, जैसे सेल्स अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट क्या होता है, बहुत आसान है लेकिन अभी आपको टफ लग रहा होगा नाम से। सेल्स अकाउंट का मतलब अगर हम लोग उधार में कुछ खरीदते हैं, सॉरी सेल्स मतलब क्या होता है? बेचना। जब उधार में हम लोग बेचते हैं सामान जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। परचेज अकाउंट मतलब जब हम लोग खरीदते हैं जो चीज़ बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि टाटा का बिजनेस क्या करना है? गाड़ी बेचना या खरीदना? टाटा कंप्यूटर नहीं बेचती है ना, तो जब भी बिजनेस से जो रिलेटेड है गाड़ी वाड़ी बेचना खरीदना तो उसको परचेज अकाउंट में लिखते हैं, गाड़ी अगर टाटा बेच रहा है तो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मशीन हम लोग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लेकिन क्या मशीन डे टू डे खरीदा जाता है बार डेली डेली? नहीं ना, मशीन एक आपका पूंजी है ना, तो मशीन जब भी पूंजी होता है दोस्तों तब उसको परचेज अकाउंट में नहीं लिखते हैं। अगर यहीं पे लिखता ना, मान लीजिए एग्जांपल देता कि टाटा ने टायर खरीदा, तो टाटा के लिए जो टायर है दोस्तों वो आपका क्या है? परचेज है। परचेज मतलब डे टू डे में टायर इसको बेचा जा रहा है, परचेज है ना। तो जो भी डे टू डे होता है, जो भी उसके बिजनेस रिलेटेड है और वो उधार में ख़रीदा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, परचेज अकाउंट में उधार में ख़रीदते हैं। तो जब कोई भी चीज़ उधार में ख़रीदा जाता है आपको ये ध्यान देना है, और वो बिजनेस से रिलेटेड होगा तभी उसको परचेज अकाउंट में लिखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कैश में ख़रीद रहे हैं तो उसको कैश अकाउंट में लिख देंगे, लेकिन वो उसमें डेबिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको बताया था CLEAR। अब CLEAR क्या है? कि जब भी एसेट और एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो हम लोग
करते हैं उसको डेबिट, ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो जब आप पहले का लेक्चर देखिए आपको बहुत ही सब आसान लगेगा, भले आपको अभी टफ लग रहा हो। तो जो भी बच्चा भी लेक्चर देख रहे हैं एमसीक्यू का, पहले के 11 लेक्चर आ चुके हैं उसको ज़रूर देखें, फिर देखिए कितना आपको मज़ा आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में दोस्तों, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो हमने क्या बताया था, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट मतलब परिसंपत्ति और कैपिटल मतलब पूंजी और लाइबिलिटी मतलब दायित्व। तो 5 का जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा, कहाँ लिखा हुआ है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कहाँ लिखा हुआ है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, इसको इधर जब चला जाएगा तो लाइबिलिटी प्लस हो जाएगा। 5 का आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला विथ कैश विदड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, जब भी कैश, प्रोपराइटर मतलब मालिक, जब भी मालिक पैसा बिजनेस से निकालता है तो उसको कहाँ लिखते हैं दोस्तों, कहाँ क्रेडिट करते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं। तो बोल रहा है अगर मालिक जो है कैश को निकाल लेता है, तो जो भी मालिक पैसा निकालता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो इससे क्या होगा, देखिए कैश अगर बिजनेस से निकल गया तो कैश मेरा बिजनेस में घट गया, और जब भी कैश क्या है दोस्तों, एसेट, तो एसेट घट गया, तो जब भी एसेट घटता है तो हम लोग किधर लिखते हैं, क्रेडिट। तो हम लोग जो भी कैश मालिक निकाल लेगा उसको क्रेडिट किधर करेंगे, तो करेंगे कैश अकाउंट में। लेकिन जो और अकाउंट होता है ड्राइंग, ड्राइंग उसको ड्राइंग बोलते हैं, जो भी मालिक जो है बिजनेस से पैसा, जो पैसा निकाल लेता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग को बोलते हैं हिंदी में उपार्जन। तो उपार्जन वाला अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे मतलब नाम करेंगे, और कैश मेरा घट रहा है मतलब एसेट घट रहा है तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट, इसको करते हैं जमा। बात समझ में आ गया, सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब है नहीं, कैपिटल एसेट, कैपिटल अकाउंट तो कोई से फर्क पड़ नहीं रहा है ना। फिर बोल रहे हैं फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था सी एल ई ए आर, क्या बताया था, जब एक्सपेंस और मेरा एसेट अगर बढ़ता है तो इसको हम लोग लिखेंगे डेबिट में, बताया था, नहीं बताया, नहीं याद आ रहा है तो पहले का लेक्चर देखिए, या जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा पहले का लेक्चर देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो सी एल आर आर मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, अगर ये मेरा बढ़ता है तो इसको हम लोग किधर लिखते हैं, किधर लिखते हैं, डेबिट में, ठीक है। किधर लिखते हैं दोस्तों, इधर इसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। तो याद रखिएगा जब सी एल और आर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, एल और ई एक एसेट और एक्सपेंस खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। अब देखिए बोल रहा है क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगर एसेट मेरा बढ़ता है तब उसको हम डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट, तो ये मेरा सही होगा। फिर बोल रहा है क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस, अगर दोस्तों मेरा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट नहीं करते हैं, तो ये हमारा गलत। फिर बोल रहा है डेबिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरा दोस्तों जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेबिट नहीं करते, ये भी हमारा गलत। फिर बोल रहा है क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, दोस्तों कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, तो ये हमारा सही। तो दोनों मेरा सही है, चाहे वो एसेट घटे तो क्रेडिट या कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। अगला है द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जिस बुक में सभी अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको कौन सा बोलते हैं दोस्तों, जर्नल। इसी में हम लोग सब अकाउंट को लिखते हैं फिर उसको क्लासीफाई करते हैं लेजर में, है ना। कैश बुक के बारे में कल बताया था कि ये जर्नल का भी काम करता है और लेजर का भी काम करता है, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जर्नलाइजिंग, ठीक है। पोस्टिंग क्या होता है, जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो जर्नल से जब लेजर बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग, और जब चीज़ हम लोग कुछ जर्नल में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है, सिंपल है। अब दोस्तों हम हिंदी में इसका देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्रमाणक अभी आपको वाउचर नहीं पढ़ाया, तो जब प्रमाणक पढ़ाएंगे तो उससे आपको ये बन जाएगा, अभी जो जो चीज़ पढ़ाएंगे वो उससे आपका क्वेश्चन बन रहा होगा, है ना। तो जब प्रमाणक पढ़ाएंगे तो प्रमाणक भी बना लेंगे। बोला एक खाते के कितने पक्ष होते हैं दोस्तों, दो पक्ष होते हैं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, नाम और जमा। डेबिट होता है लेफ्ट साइड और क्रेडिट होता है राइट साइड, ये सब आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो पहले का लेक्चर जरूर देखें। मशीन की नगद खरीद पर निम्न में से कौन से खाते को नाम करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। तो मशीन, जब मशीन आप नगद खरीद रहे हो कैश में, तो कैश में जब आप नगद खरीद रहे हो दोस्तों तो कैश आपका घटेगा। कैश क्या है दोस्तों, एसेट है मतलब परिसंपत्ति है। मैंने बताया था परिसंपत्ति जब भी घटता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, नाम नहीं करते, ठीक है।
क्या करते हैं, जमा नाम नहीं करते हैं। और दूसरा कैश, जब आप मशीन ख़रीद रहे हो तो मशीन का बढ़ रहा है, पहले एक मशीन होगा लेकिन आपने एक और मशीन अगर ख़रीद लिया तो मशीन आपका बढ़ रहा है। मशीन मतलब क्या होता है, एसेट। एसेट को क्या बोलते हैं, परिसंपत्ति। तो एसेट जब बढ़ता है तो उसको हम लोग किधर लिखते हैं दोस्तों, डेबिट में लिखते हैं, मतलब नाम में लिखते हैं। आपको बताया था CLEAR, मतलब जब एसेट बढ़ेगा या एक्सपेंस बढ़ेगा तब हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो जो 4 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, मशीन खाता क्या होगा, डेबिट होगा, नाम होगा। फिर निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, तो मैंने बताया था कि परिसंपत्ति बराबर पूंजी प्लस देयताएं, ठीक है। तो पूंजी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो परिसंपत्ति बराबर क्या, पूंजी प्लस देयताएं। जब देयताएं को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो पूंजी प्लस देयताएं बराबर परिसंपत्ति। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला देखते हैं, स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ को किस खाते की जमा में लिखा जाएगा। तो स्वामी द्वारा आहरित, आहरित मतलब आहरण खाता, उपार्जन में बोल दिया था। देखिए ड्राइंग को मैंने बोल दिया था उपार्जन, तो उपार्जन नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, आहरण। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। ड्राइंग को आहरण बोलते हैं। ड्राइंग क्या होता है कि कोई भी मालिक ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कैपिटल, ठीक है, पूंजी। और उस पैसे में से जो पैसा वो पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए निकाल लेता है बिजनेस से, उस पैसा को आहरण बोलते हैं, ठीक है, ड्राइंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, बिजनेस से अगर पैसा निकाल लेगा तो बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश क्या होगा, कम होगा। और जब भी कैश कम होता है तो मेरा एसेट घटता है, जब भी एसेट घटेगा तो उसको जमा साइड लिखेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है जमा में किसे लिखा जाएगा, तो रोकड़ खाता, ठीक है। आहरण खाता क्या होगा, आहरण खाता बढ़ेगा, तो आहरण खाता बढ़ेगा तो उसको हम लोग किधर लिखेंगे दोस्तों, डेबिट में लिखेंगे, मतलब किधर लिखेंगे, नाम में लिखेंगे, जमा में नहीं लिखेंगे। तो आहरण खाता में नाम में लिखेंगे और मतलब डेबिट करेंगे, और रोकड़ खाता मेरा घटेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, सही वाक्यांश चुनिए। बोल रहा है परिसंपत्तियों में कमी को जमा में प्रविष्ट किया जाता है, मतलब एसेट। परिसंपत्ति मतलब क्या, एसेट। तो ये देखिए एसेट, ए मने एसेट, एसेट जब भी मेरा बढ़ता है तो डेबिट, और घटेगा तो क्या, क्रेडिट, मतलब जमा करेंगे, सही है। उसके बाद व्ययों में वृद्धि को जमा में लिखा जाता है। दोस्तों व्यय जब मेरा बढ़ता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है, ई मने एक्सपेंस, तो उसको डेबिट करते हैं, नाम में लिखते हैं, जमा में नहीं लिखते हैं, तो ये मेरा गलत। फिर आगम में वृद्धि, आगम मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट मतलब होता है जमा, तो ये हमारा गलत होगा। फिर बोल रहा है पूंजी में वृद्धि को जमा में प्रविष्ट किया जाता है, पूंजी मतलब कैपिटल, कैपिटल जब भी हमारा बढ़ता है दोस्तों तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट मतलब जमा, तो ये हमारा सही है। तो 7 का आंसर होगा आ और द। बोल रहा है वह बही जिसमें समस्त खाते रखे जाते हैं कहलाता है, तो ये कहलाया जाता है दोस्तों जर्नल, जर्नल को हिंदी में बोलते हैं रोजना मच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये रोजना मच्चे के सौदे की प्रविष्टि को कहते हैं, मतलब जो भी हम लोग सौदा लेन देन करते हैं उसको हम रोजना मच्चा जर्नल में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग, ठीक है ना। चलिए खतौनी क्या होता है, पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है, जब हम लोग लेजर में कुछ लिखते हैं जर्नल से तो उसको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में, फिर हिंदी में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक। बोल रहा है जब भी कोई फर्म होता है वो कैश बुक बनाता है। कैश बुक के बारे में कल मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, रोकड़ खाता के बारे में। बोला इट नीड नॉट मेंटेन, बोल रहा है जब भी कोई कंपनी कैश बुक बना रहा है तो उसको क्या आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है कि कैश बुक में हम लोग कैश ट्रांजेक्शन और बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन वो भी वो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कैश में आपने कितना लेन देन किया, और बैंक से लेन देन मतलब कोई भी कंपनी, सभी कंपनी का जनरली बैंक में भी अकाउंट होता है, तो कुछ पैसा तो उसके पास होता है, कंपनी के पास, जिससे वो लेन देन करती है, कुछ खरीदना बेचना है तो पैसे में करेगी, और कुछ पैसा वो बैंक से कटवाती है या बैंक से डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट करती है। तो कैश बुक में हम लोग दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हो, रोकड़ में हो, या बैंक से हो, बैंक के खाते से हो, ठीक है। तो कोई कंपनी अगर कैश बुक बना रही है दोस्तों तो वो कैश और बैंक वाला अकाउंट बनाएगी क्या, लेजर में नहीं बनाएगी, है ना। और वैसे भी देखिए कैश बुक खुद ही एक लेजर का काम करता है और जनरल का काम करता है, और कैश बुक में हम लोग कैश चीज़ लिख रहे हैं और बैंक भी लिख रहे हैं, तो दोबारा से हम कैश वाला और बैंक वाला लेजर में क्यों बनाएंगे दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा कि इट नीड नॉट मेंटेन,
ये होगा, उसको तो जर्नल प्रॉपर तो लिखना ही पड़ेगा। जर्नल प्रॉपर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जर्नल प्रॉपर का मतलब ऐसा जर्नल जिसमें बाकी जो लेन देन बचा उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। परचेज में क्या होता है कि जो हम लोग उधार में ख़रीदते हैं उसको हम लोग परचेज जर्नल बुक में लिखते हैं, ठीक है। तो कैश बुक में हम लोग कैश वाला लिख लिए, जो कैश में भी करते हैं और जो बैंक से करते हैं। बाकी जो उधार में ख़रीदते हैं उसको हम लोग परचेज में करते हैं। तो कैश बुक बनाएंगे तो हमको परचेज वाला बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि परचेज वाला किससे किस चीज़ में लिखते हैं, परचेज वाले बुक में क्या लिखते हैं, जितने भी चीज़ हमने उधार में ख़रीदा है उसको हम लोग परचेज बुक में लिखते हैं, ठीक है। सेल्स जर्नल में क्या होता है, जो भी चीज़ हम लोग उधार में बेचते हैं उसको हम लोग सेल्स जर्नल बुक में लिखते हैं। सिंपल है, कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है, परचेज जर्नल बुक क्या होता है, सेल्स जर्नल क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो एक आंसर होगा फोर दोस्तों। बोल रहा डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, तो मैंने बताया था डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कैश देखिए जो कैश बुक होता है, रोकड़ खाता होता है, वो तीन टाइप का होता है। एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम और एक होता है ट्रिपल कॉलम, ठीक है। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ हम लोग कैश वाला रिकॉर्डिंग करते हैं, डबल कॉलम में मतलब दो कॉलम होगा, एक कैश वाला भी रिकॉर्डिंग होगा और बैंक से भी जो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इसलिए इसको डबल कॉलम बोलते हैं। ट्रिपल कॉलम में तीन कॉलम होता है, कैश वाला, बैंक वाला और एक और कॉलम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आप भी पता है कि आप अगर ज़्यादा आपको शर्ट खरीदना है, ठीक है, और अगर आप एक साथ 10 शर्ट खरीदोगे तो सामने वाला डिस्काउंट देता है ना, तो जो भी डिस्काउंट हमको मिलता है या हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम लोग डिस्काउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक होता है वो तीन टाइप का होता है, एक सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ कैश वाला कॉलम होगा, बैंक वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक वाला कॉलम होगा, डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं होगा, और ट्रिपल कॉलम जिसमें जो है कैश वाला भी होगा, बैंक वाला भी होगा और डिस्काउंट वाला भी होगा। सिंपल है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, डबल कॉलम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश और बैंक दोनों का रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ कैश वाला और बैंक वाला करते हैं, उधार वाला नहीं करते। उधार वाला हम लोग परचेज बुक और सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं कैश में तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी चीज़ कैश में कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश में, कैश बुक में। परचेज बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि परचेज बुक मैंने क्या बताया, परचेज बुक हम लोग उधार वाला चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो भी हम क्रेडिट पे लेते हैं, उधार पे लेते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक में भी हम लोग उधार में जो बेचे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न में कि परचेज रिटर्न का मतलब ये हुआ, मैंने उधार में कुछ बेचा लेकिन सामने वाला ने कुछ रिटर्न कर दिया तो उसको हम लोग उधार रिटर्न वाले बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये सबको मैं आपको डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि उधार रिटर्न बुक क्या होता है, सेल्स जर्नल क्या होता है, परचेज जर्नल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बुक ऑफ, कैश बुक किसका ट्रांजेक्शन नहीं करता है दोस्तों, तो मैंने बताया था कैश बुक में सिर्फ कैश का करते हैं और बैंक का करते हैं, उधार वाला नहीं करते। उधार वाला के अलग से परचेज बुक और सेल्स बुक होता है, तो क्या रिकॉर्ड नहीं करता है, तो क्रेडिट नेचर मतलब उधार वाला चीज़ नहीं रिकॉर्ड करता है। उसके बाद बोल रहे हैं परचेज अकाउंट के बारे में, तो परचेज अकाउंट को मैं आप कल अच्छे से पढ़ाऊंगा परचेज अकाउंट के बारे में, ठीक है। सेल्स रिटर्न जनरल ये भी कल पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं, जो भी चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आपका 100% सही हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, सब चीज़ आपको पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपके आपको पता चले कि आप एक सही डायरेक्शन में हो। आपको तो गर्व होना चाहिए दोस्तों कि आप EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर के द्वारा पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेहनत करें अच्छे से और पढ़िए, आपका सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में क्रेडिट जब बैलेंस होता है, मतलब जमा बैलेंस जब होता है तब क्या होता है, तो मैंने बताया था उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। तो जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है दोस्तों कैश बुक में बैंक अकाउंट में, तो मैंने वो बताया था आपको, ये ओवर ड्राफ्ट होता है। ओवर ड्राफ्ट का मतलब आपको ज़रूरत था 10,000 रुपये का, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये ही था, तो बैंक ने आपको फैसिलिटी दिया कि ठीक है 5,000 रुपये आप ओवर ड्राफ्ट कर लो, लेकिन वो आपके क्रेडिट बैलेंस में दिखाएगा, ठीक है। ये आपको बताया था, तो जी का आंसर होगा दोस्तों 1, ठीक है। बोल रहा है पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज रिटर्न जनरल, तो इसको परचेज रिटर्न जनरल हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। फिर बोल रहा है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मींस, तो अकाउंट का बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि टोटल ऑफ डेबिट, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करके डिफरेंस निकाल लो, उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको क्या बोलते हैं बैलेंसिंग। मैंने बताया था ना
अब याद करो कि जब हम लोग बैलेंस करते हैं दोस्तों, तो ये मेरा डेबिट है, आपको बताया था, याद करो, जो बच्चे पहले का क्लास करेंगे तो बहुत आसानी होगा उसको। तो जब डेबिट मेरा अधिक होता था दोस्तों, डेबिट मेरा क्रेडिट से अधिक होता था, तो हम लोग दोनों साइड पहले ऐसे करके बॉक्स बनाते थे, और दोनों साइड जो एक्स्ट्रा ज़्यादा अमाउंट था, मान लीजिए डेबिट की तरफ आया 5,000 और क्रेडिट की तरफ आया 10,000, तो हम लोग दोनों तरफ 10,000 लिख देते थे, याद करो, 10,000 लिख देते थे। और यहाँ तो 10,000 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 5,000 है, तो 5,000 रुपये हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देते थे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते थे दोस्तों, क्या बोलते थे, क्रेडिट बैलेंस। क्यों? कि अभी हमारा क्या है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से, तो जो भी बैलेंस बचा उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, और उसको लिखते थे कहाँ थे, डेबिट में। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट यही बोलता है कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर दो, और जो भी डिफरेंस है डिफरेंस के आधार पर इक्वल किया जाता है। समझ में आया? ये सब डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, पहले का लेक्चर देखे, आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो दोस्तों ये आज का हम लोग का MCQ था, इस तरह बच्चे लोग गौर कर रहे होंगे, ठीक है। ये इंग्लिश में था, अब हिंदी में देख लेते हैं ज़रा इसको दोस्तों। तो हिंदी में देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। बोला जब कोई फर्म, फर्म मतलब कंपनी, रोकड़ बही बनाती है, तो उसे क्या बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो उसे बैंक और रोकड़ खाता अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोकड़ बही में बैंक और खाता और रोकड़ खाता दिखाया जाता है, ठीक है। अगला, द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में क्या दिखाते हैं? तो मैंने बताया उसमें कैश और बैंक दोनों का दिखाते हैं दोस्तों, नकद भी दिखाते हैं और बैंक संबंधी लेन देन भी दिखाते हैं, ठीक है। रोकड़ में खरीदे हुए माल को अभी लिखित किया जाएगा। तो अगर हम किसी चीज़ को रोकड़ा में खरीद रहे हैं दोस्तों, तो उसको कहाँ लिखेंगे, रोकड़ बही में लिखेंगे, ठीक है। रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं किए लिखे जाएंगे? तो जो चीज़ उधार पे करते हैं उसको हम लोग नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ हम लोग नकद का लिखते हैं, और बैंक से जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो लेन देन लिखते हैं, ठीक है। इन लेन देन के कुल योग का क्या, क्रय पुस्तक, क्रय पुस्तक के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसको आसानी से करने के बाद आप ये बना लोगे, ठीक है। विक्रय वापसी योजना मचा, ठीक है। परचेज रिटर्न जनरल के बारे में, सेल्स कम के रिटर्न जनरल के बारे में हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। फिर बोल रहा है रोकड़ बही में बैंक खाते का जमा क्या दिखाता है दोस्तों? ये दिखाता है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष क्या होता है? मान लीजिए आप हो, आपको 5,000 रुपया बैंक से चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके बैंक में 2,000 रुपया ही है, तो 3,000 रुपये आपको अधिविकर्ष के बारे में के रूप में मिलेगी, और वो आपका जमा खाता में किधर दिखे, बैंक रोकड़ बही का जो बैंक वाला अकाउंट है उसमें आपको जमा के साइड दिखाएगा, ठीक है। क्रय वापसी योजना मचा के बारे में कल अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप ये आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है खातों का संतुलित करने का अर्थ यही है कि डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना। जैसे नाम, एक तरफ नाम होता है एक तरफ जमा होता है, तो नाम में मान लीजिए 15,000 रुपये है, जमा में मेरा 10,000 रुपये आया, तो हम लोग दोनों साइड जो एक्स्ट्रा होता है लिख देते हैं दोस्तों, 15,000 इधर भी लिख दिए, 15,000 इधर भी लिख दिए। अब चूँकि इधर तो 15,000 है, इधर 15,000 नहीं है, तो 5,000 हमको एक्स्ट्रा इधर डालना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, संतुलित कर देते हैं खाते को, ताकि उसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो। तो जो भी नाम और जमा पक्ष के योग के अंतर की गणना करके उसको बैलेंस करते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों सी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया उसी से आपका MCQ बन रहा है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो रहा है। तो धीरे धीरे करके हम लोग इतना कमांड कर लेंगे दोस्तों EPFO का सिलेबस में, कि आप, मैं अगर EPFO सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, तो आपको भी मैं EPFO सिलेक्टेड ऑफिसर दोस्तों बना के ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए Jio IAS का चैनल, इसका जो PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का भी कोर्स जो है आ गया है, आप जरूर देखिए। मैथ्स इंग्लिश सभी चीज़ मैं आपको पढ़ा के पूरा एकदम EPFO के लिए परफेक्ट एक योद्धा बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए Jio IAS का चैनल विद राहुल बर्नवाल, जो कि EPFO में सिलेक्टेड ऑफिसर है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। अभी जो मेरा टारगेट है दोस्तों, वो है कि EPFO का तैयारी आप लोग का एकदम परफेक्ट हो जाए 100%, ठीक है। उसी को टारगेट लेके जो है ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। UPSC के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है, तो जो उसके लिए जरूरी होगा वो टाइम टाइम पर आएगा ही, लेकिन अभी जो मेरा टारगेट है दोस्तों वो है EPFO में आप लोग का सिलेक्शन करवाना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है, सिर्फ रिटर्न दीजिए और सीधे इंटरव्यू, और फिर शायद सीधे ग्रुप ए ऑफिसर और बी ऑफिसर बनिए, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दैट लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।